इस एक्सपेरिमेंट को उसने किया, तो एस प्रभेद को एंटर कराया, चूहे की मृत्यु हुई क्योंकि रोगकारी प्रभेद है, आर प्रभेद अरोगकारी है, चूहे जीवित रहे। एस प्रभेद हीट फील्ड को चूहों में एंटर कराया, चूहे जीवित रहे क्योंकि निमोनिया रोग उनके अंदर प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब एस प्रभेद तापव्रत और आर प्रभेद के मिश्रण को चूहों में प्रवेश कराया तो चूहों की डेथ या फिर मृत्यु होगी। अब यहाँ ये वाला जो रिजल्ट मिला है इनको अपने एक्सपेरिमेंट में, ये मिलना नहीं चाहिए था। यानी एक्चुअल में यह होना क्या चाहिए था, यहाँ पर चूहे जीवित रहने चाहिए थे, क्योंकि जब नॉर्मल हम देख रहे हैं आर प्रभेद को एंटर करा रहे हैं जीवित रह रहे हैं, एस प्रभेद तापमान में चूहे क्या रह रहे हैं, जीवित रह रहे हैं। अब इसके बाद क्या किया, जो चूहे थे उन मरे हुए चूहों के ब्लड का टेस्ट किया। ग्रिफिथ ने जो मरे हुए चूहे थे, लास्ट वाली जो स्टेप में जो चूहे मरे हुए थे उन चूहों के ब्लड का टेस्ट किया। जब इन्होंने इनके ब्लड का टेस्ट किया या रक्त की जांच की, तो इन्होंने क्या देखा, ब्लड टेस्ट करने के बाद इनके ब्लड को टेस्ट करने पर इन्होंने पाया कि जीवित एस प्रभेद के जीवाणु इस मिश्रण में मिले। ये जो मिक्सचर है, ये वाला मिश्रण, इस मिश्रण या मिक्सचर के अंदर उन्हें जीवित एस प्रभेद वाले जीवाणु मिले। जब उन्होंने मरे हुए चूहों की रक्त की जांच की तो उन्हें उनके रक्त में जीवित एस स्ट्रेन के या एस प्रभेद के बैक्टीरिया मिले या फिर जीवाणु मिले। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज ही नहीं किया था, फोर्थ स्टेप जो है इसके अंदर जीवित एस प्रभेद नहीं है। लेकिन जब इन मरे हुए चूहों के ब्लड की उन्होंने टेस्ट किया, टेस्टिंग की, तो उसके अंदर जीवित एस प्रभेद के बैक्टीरिया उनके अंदर पाए गए। इसके बेस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला या फिर वो रिजल्ट पर पहुंचे कि जो तापमृत एस प्रभेद के बैक्टीरिया थे, तापमृत एस प्रभेद या हीट फील्ड एस प्रभेद भी इसको हम बोल सकते हैं, हीट फील्ड एस स्टैन, इन बैक्टीरिया से, तापमृत एस प्रभेद के बैक्टीरिया से या हीट फील्ड प्रभेद के बैक्टीरिया से रोग उत्पन्न करने वाला कारक आर प्रभेद में ट्रांसफर हुआ। जिनको रिजल्ट मिला उसके बेस पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि इनसे ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया से तापमृत जो एस प्रभेद के बैक्टीरिया है, इनसे रोग उत्पन्न करने वाला कोई फैक्टर या कारक जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर हुआ, आर प्रभेद के अंदर। तापमृत एस प्रभेद के बैक्टीरिया से रोग उत्पन्न करने वाला फैक्टर या कारक आर प्रभेद में ट्रांसफर हुआ, और इस कारक ने या इस फैक्टर ने जो आर प्रभेद है, ये वाली जो स्ट्रेन है आर प्रभेद, इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर चेंज कर दिया। यानी हुआ है यहाँ पर, ये तापमृत एस प्रभेद है, इस तापमृत एस प्रभेद से जो रोग उत्पन्न करने वाला कारक है वो कारक किसमें गया, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन में जब ये फैक्टर गया तो इस फैक्टर ने इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन या एस प्रभेद के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया या परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज किया गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रूपांतरण। ये जो प्रक्रिया हुई है इसे बोला जाता है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज हो गया ना बैक्टीरिया का फॉर्म, स्ट्रेन चेंज हो गया, आर से एस बदल गया, इसको बोलेंगे रूपांतरण, फॉर्म का चेंज हो जाना या ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इस थ्योरी को या सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या रूपांतरण सिद्धांत इसको नाम दिया गया है। अब यहाँ जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कराया है, इसने ये तो बता दिया कि कोई एक कारक या फैक्टर है जो कहाँ जा रहा है, तापमृत एस प्रभेद के जो बैक्टीरिया हैं उनसे किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, आर स्ट्रेन में। ये वाला जो फैक्टर दिख रहा है, ये तापमृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में ट्रांसफर हो रहा है या स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि
यह जो कारक होता है ये एक्चुअल में क्या होता है। यानी इसने ये तो बताया कि कोई एक ऐसा कारक है जो एस प्रवेद से, लिटिल एस प्रवेद से आर प्रवेद में जाता है और आर प्रवेद को एस प्रवेद में चेंज कर देता है, लेकिन होता क्या है इस कारक के बारे में वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं बता पाए। तो इसकी कमी थी, रूपांतरण सिद्धांत की कमी थी, ये नहीं बता पाए ये जो फैक्टर या कारक जो तापमान एस प्रवेद से आर प्रवेद में जा रहा है और आर प्रवेद को एस प्रवेद में चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो फैक्टर क्या होता है। तो ये जो पूरा प्रिंसिपल हमने पढ़ा है इसे ही हम रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से इसको हम जानते हैं। इसी थ्योरी को ग्रिफिथ इफेक्ट भी कहा जाता है। ग्रिफिथ ने इसमें एक्सपेरिमेंट किए इसलिए सिद्धांत को ग्रिफिथ इफेक्ट या ग्रिफिथ प्रभाव के नाम से भी इस थ्योरी या सिद्धांत को जाना जाता है। दोनों नाम याद रखने से, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ इफेक्ट, दोनों ये एक ही थ्योरी है। अब इस सिद्धांत की कमी क्या थी, इस सिद्धांत के अंदर ये फैक्टर के बारे में नहीं बता पाया, कारक के बारे में नहीं बता पाए कि ऐसा कौन सा कारक है जो तापमान एस प्रवेद से आर प्रवेद में जा रहा है और आर प्रवेद को एस प्रवेद में चेंज कर रहा है या उसका रूपांतरण या मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इस सिद्धांत की जो कमी थी इसको हटाने का काम तीन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। तीन साइंटिस्ट थे एब्री, मैक्लोइड और मैकॉर्टी। तीन साइंटिस्ट है हमारे पास, एब्री, मैक्लोइड व मैकॉर्टी। कमी रूपांतरण सिद्धांत के ऊपर अभी हमने डिस्कस की है, इसकी कमी क्या है, ग्रिफिथ यह नहीं बता पाए कि जो कारक है जो आर प्रवेद को एस प्रवेद में चेंज कर रहा है वो क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इसके बारे में ग्रिफिथ ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया, कोई उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो इसकी इस सिद्धांत की इस कमी को पूरा करने का काम किया तीन साइंटिस्ट, एब्री, मैक्लोइड, मैकार्टी। इन साइंटिस्ट ने जो रूपांतरण सिद्धांत है उसके जैव रासायनिक गुण को बताया। इन तीन साइंटिस्ट ने रूपांतरण सिद्धांत के, रूपांतरण सिद्धांत के जैव रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में बताया। बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टी होती है रूपांतरण सिद्धांत की उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट है एब्री, मैक्लोइड एंड मैकॉर्टी। जैव रासायनिक गुण का मतलब है ये वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कारक है ऐसा कौन सा कारक है जो रूपांतरण करता है, उसको बताने वाले साइंटिस्ट एब्री, मैक्लोइड, मैकॉर्टी। इन्होंने, तीन साइंटिस्टों ने 1933 से 1944 के बीच अनेक एक्सपेरिमेंट किए, अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने जो है रूपांतरण सिद्धांत के जैव रासायनिक गुण के बारे में क्लियरिफिकेशन दिया है, उसके बारे में बताया है। अब इन्होंने क्या किया, वही जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसको कराया। उसको कराने के बाद इन्होंने क्या किया, चौथी स्टेप थी हमारे ग्रिफिथ वाले में, ताप मृत एस प्रवेद और आर प्रवेद इनका मिश्रण था। इनके मिश्रण को किसमें एंटर कराया गया था, चूहे में, तो चूहे की क्या हो गई थी मृत। फोर्थ स्टेप थी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सेम एक्सपेरिमेंट वही कराया तो ग्रिफिथ ने ऊपर किया था ना, वही पहले एस प्रवेद को एंटर, फिर आर को, फिर ताप मृत एस को, लास्ट में किसको कराया, ताप मृत एस प्रवेद और आर प्रवेद के मिक्सचर को चूहों में एंटर कराया, उनकी मृत्यु हुई। अब ये जो मरे हुए चूहे थे, ये डेड जो चूहे थे,
इनसे इन साइंटिस्ट ने ब्लड को निकाला, इन मरे हुए चूहों में से इन्होंने ब्लड को निकाल लिया, रक्त को निकाल कर अलग किया, और इस ब्लड में से इन्होंने डीएनए को अलग किया। आरएनए को अलग किया, प्रोटीन को अलग किया और पॉलीसेकेराइड को अलग किया। सेम वही प्रोसेस इन्होंने की, यहां तक तो कि एक मिक्सचर बनाया उन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, आर प्रभेद का चूहों में एंटर कराया। चूहों को जीवित रहना चाहिए था लेकिन मृत्यु हुई, इसके बारे में बता चुका था क्यों होती है। मरे हुए चूहों से ब्लड निकाला, उनके ब्लड से इन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड इन सबको अलग कर लिया। अब इस ब्लड के अंदर से जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड इन सबको इसने क्या किया, अलग किया रक्त से। इसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले जो ये आरएनए निकाला था, इन मरे हुए चूहों के ब्लड से जो आरएनए निकाला है, इस आरएनए को, यानी ये जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड है ना, ये बैक्टीरिया के हैं, ये याद रखना है। ये किसके हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसके हैं। आरएनए को जो अलग किया है, इस आरएनए को जब इन्होंने जीवित चूहों में प्रवेश कराया, तो चूहे क्या रहे, जीवित। चारों को सेपरेट कर लिया इन्होंने रक्त से, बैक्टीरिया के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड उनको अलग कर लिया। इस आरएनए को जब इन्होंने चूहे के अंदर एंटर कराया तो चूहे जीवित रहे। सेकंड स्टेप में इन्होंने प्रोटीन को चूहे के अंदर एंटर कराया तो भी चूहे क्या रहे, जीवित रहे। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने पॉलीसेकेराइड को चूहे के अंदर एंटर कराया तो भी चूहे क्या रहे, जीवित रहे। लास्ट में इन्होंने जो डीएनए निकाला था उसको जब चूहे में एंटर कराया तो डीएनए को एंटर कराने पर चूहों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ना तो ये वो फैक्टर था आरएनए, क्योंकि आरएनए वो फैक्टर होता तो चूहों में एंटर कराते तो मर जाते चूहे, ना प्रोटीन वो कारक था जिसके बारे में ग्रिफिथ ने बताया है, ना पॉलीसेकेराइड वो कारक था। ग्रिफिथ ने जिस फैक्टर के बारे में या कारक के बारे में बताया वो कौन सा था, टीए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही वह कारक था। जो क्वेश्चन था ना हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में, कारक होता कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से दिया कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो कारक आर प्रभेद को एस प्रभेद में चेंज करता है वो कारक डीएनए होता है। अब डीएनए एक तरह से क्या कर रहा है, जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जा रहा है, इसलिए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के समान काम करता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता है। एक बार फिर से देखो, एब्री मैक्लोइड और मैकॉर्टी के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं हम। सबसे पहले जो क्यों किया गया है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो ग्रिफिथ थे वो ये नहीं बता पाए कि जो चेंज हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, वो किस कारक से हो रहा है, या ग्रिफिथ रूपांतरण सिद्धांत के बायोकेमिकल प्रॉपर्टी या गुण के बारे में नहीं बता पाए। इसके बारे में बताने के लिए एब्री मैक्लोइड मैकॉर्टी ने 1933 से 1944 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, जो तापव्रत एस प्रभेद और आर प्रभेद है उसका मिश्रण बनाया, मिक्स किया, उनको चूहों में एंटर कराया, चूहों की डेथ हुई, मरे हुए चूहों से ब्लड को अलग कर लिया। अब मरे हुए चूहों में जब हमने मिश्रण डाला है बैक्टीरिया का, तो ब्लड में बैक्टीरिया मिलेंगे। इसके बाद इस ब्लड से उन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड इन सबको अलग किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने आरएनए को चूहों में एंटर कराया, जीवित रहे चूहे।
जीवित चूहों में, दूसरे चूहों में प्रोटीन को एंटर कराया, जीवित रहे। पॉलीसेकेराइड को एंटर कराया, जीवित रहे। लेकिन जब उन्होंने डीएनए को एंटर कराया तो चूहों की क्या हो गई? डेथ। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ग्रिफिथ ने जो कारक बताया था वो एक्चुअल में होता क्या है? डीएनए। और डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जा रहा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ के समान कार्य करता है। डीएनए का काम क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाना। फिर इन्हीं से रिलेटेड इन्होंने ये बता दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, एब्री एट ऑल, एब्री एट एल साइंटिस्ट है, एब्री एट एल। इन्होंने भी यही बोला जो इन्होंने बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन साइंटिस्ट ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है? डीएनए होता है। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर दिए, एब्री मैक्लर्ड मैकार्टी ने, एब्री एट ऑल इन्होंने, यानी ये जो साइंटिस्ट है ना, इन साइंटिस्ट ने बता दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इनके इस थ्योरी या सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने नहीं माना। वैज्ञानिकों ने ये नहीं माना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ के समान काम करता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। इसे सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो था बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफेज प्रयोग या एक्सपेरिमेंट। पहला तो जो एब्री मैक्लर्ड मैकॉर्टी थे उन्होंने किया, लेकिन साइंटिस्ट ने नहीं माना। जो और साइंटिस्ट थे, अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उनके प्रयोग को सही नहीं माना। तो इसको सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किया गया, बैक्टीरियोफेज प्रयोग या बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हर्षे और चेज। इस एक्सपेरिमेंट को जिन साइंटिस्ट ने किया है उन साइंटिस्ट का नाम है हर्षे और चेज। अब देखो पहले बैक्टीरियोफेज क्या होता है। इस बैक्टीरियोफेज को हिंदी में हम बोल सकते हैं जीवाणु भोजी। नाम में ही बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो वर्ड का मतलब है जीवाणु, फेज का मतलब होता है खाने वाला। ये एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसे हम जीवाणु भोजी वायरस भी इसको हम बोल सकते हैं। नॉर्मली इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इस तरह का इसका हेड वाला पार्ट होता है बैक्टीरियोफेज वायरस का, ये थोड़ा सा कॉलर वाला पार्ट होगा, नेक्स्ट नीचे इसका ये टेल वाला हिस्सा होता है। तो टेल वाले हिस्से में इस तरह से कुछ फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज है, अंदर इसके क्या है, एक डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है या जीवाणुभोजी वायरस होता है? इन हर्षे और चेज ने जीवाणुभोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, जिसे बैक्टीरियोफेज प्रयोग या हर्षे और चेज का प्रयोग कहते हैं। किया क्यों था? ये सिद्ध करने के लिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक तो लिया बैक्टीरियोफेज वायरस, हर्षे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक तो जीवाणु भोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया। ऐसा वायरस है जो जीवाणुओं को खाता है, इसलिए हिंदी में बोला है जीवाणु भोजी, इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। एक इन्होंने बैक्टीरिया लिया था ईकोलाई, ईकोलाई जीवाणु, इस्चीरिया कोलाई इस बैक्टीरिया का पूरा नाम है। हर्षे और तेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज वायरस और
कोलाई जीवाणु का उपयोग किया। ई कोलाई जीवाणु को इन्होंने सिलेक्शन किया और इन दोनों को साथ में लेकर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब बैक्टीरियोफेज की पहले हम बात करें, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खा रहा है। इसका जो फॉर्मेशन है दो भागों से होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस दो भागों से या दो पार्ट से बना हुआ है। एक पार्ट को बोलेंगे हम सिर, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हिस्सा है इसका सिर। ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है उसे बोलेंगे पूंछ, हेड और टेल। दो मेन पार्ट इसके अंदर पाए जा रहे हैं, एक हेड वाला हिस्सा है, दूसरा कौन सा वाला हिस्सा है, टेल वाला या पूंछ वाला हिस्सा है। इसका जो सिर वाला हिस्सा है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज का हेड वाला जो पार्ट है उसमें अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। ये जीवाणु वही वायरस बैक्टीरिया की सेल पर अटैक करता है और उन बैक्टीरिया की सेल को खा जाता है। जैसे वायरस है, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उन बैक्टीरियल सेल को, जीवाणु कोशिकाओं को खा जाता है। ये इसका फंक्शन होता है। इसकी पूंछ में कुछ फिलामेंट होते हैं, पूंछ वाला पार्ट है। इस पूंछ वाले पार्ट के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, तंतु या फिलामेंट, और इन फिलामेंट की सहायता से ये बैक्टीरिया के साथ जुड़ता है। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की सरफेस पर जब ये जुड़ेगा तो किन फिलामेंट की हेल्प से जुड़ता है, ये जो पूंछ के साथ जो फिलामेंट पाए जा रहे हैं इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से बैक्टीरिया के ऊपर जुड़ेगा। ये बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, जिसकी पूंछ में कुछ फिलामेंट पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से जीवाणु या बैक्टीरिया की सेल के ऊपर अटैच होता है। उसके ऊपर अटैच होगा, अटैच होने के बाद जो इसका ये डीएनए है, इस डीएनए को ये किसके अंदर एंटर कराता है, बैक्टीरिया में। इसका डीएनए जब बैक्टीरिया में जाएगा इसका डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए पर कंट्रोल कर लेता है और अपने जैसे बहुत सारे वायरस को बनाता है। ये फंक्शन करने का, इसका काम करने का तरीका होता है। अभी सिंपल दो चीज चीजें इसमें मैंने याद रखना है। एक तो इसका जो फॉर्मेशन है दो मेन पार्ट है सिर, दूसरा है पूंछ, हेड और टेल। हेड वाले पार्ट में इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, टेल वाले पार्ट में फिलामेंट या तंतु है। इन फिलामेंट या तंतुओं की हेल्प से बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा, उसके साथ जुड़ेगा, उसके बाद अपने डीएनए को उसमें एंटर कराएगा। ये डीएनए बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाकर उसके जीवाणु कोशिका का जो डीएनए उसको कंट्रोल कर लेता है और अपने अनुसार वायरस के अनेक कणों का ये फॉर्मेशन कराता है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। अब इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज जो वायरस हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। T1 बैक्टीरियोफेज होगा, T2 बैक्टीरियोफेज होता है, T3 बैक्टीरियोफेज होता है, T4 होता है, T5, T6 और T7। सात प्रकार के बैक्टीरियोफेज होते हैं। टी जो शब्द लिया है ना, टी इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो शेप है, बैक्टीरियोफेज की जो शेप है वो टैडपोल के समान है। टैडपोल जो होता है, मेंढक की जो लार्वा स्टेज होती है उसको बोलते हैं टैडपोल। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, मेंढक में लार्वा स्टेज, इस तरह से टैल पाई जा रही है। इसकी स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज की टैडपोल के समान है, इसलिए T वर्ड यहाँ पर काम में लेते हैं। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, सात प्रकार के बैक्टीरियोफेज होते हैं। इन बैक्टीरियोफेज में से हर्षे और चेज ने जिस बैक्टीरियोफेज को लिया है, इन बैक्टीरियोफेज में से हर्षे और चेज ने जिस बैक्टीरियोफेज को लिया वो था T2 बैक्टीरियोफेज। यहाँ हम बोले कि अक्षय चेज ने मेनली लिया कौन से को है, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस को इसके द्वारा लिया गया। अक्षय और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में सात टाइप के हैं, इन सात टाइप में से इन्होंने अक्षय और चेज ने किसको लिया है, T2 टाइप का जो बैक्टीरियोफेज है उसका इसने एक्सपेरिमेंट में, अपने एक्सपेरिमेंट में उसका यूज किया। अब T2 बैक्टीरियोफेज पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इस T2 बैक्टीरियोफेज को इन्होंने क्या किया,
ये जो T2 बैक्टीरियोफेज है इसको T2 जीवाणु भेदी, जिसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज, इसको रेडियो एक्टिव संवर्धन माध्यम पर कल्चर किया, रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम, रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम पर या रेडियो एक्टिव संवर्धन माध्यम पर इनकी ग्रोथ कराए। संवर्धन माध्यम जो होता है, संवर्धन माध्यम वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा मीडियम या कल्चर मीडियम, ऐसा मीडियम होता है जिससे न्यूट्रिशन लेकर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। यानी T2 बैक्टीरियोफेज को रेडियो ऐसे संवर्धन माध्यम पर उगाया, ऐसे संवर्धन माध्यम पर इनकी ग्रोथ कराई जिसके अंदर रेडियो एक्टिवता प्रेजेंट थी, उसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो थे इसके अंदर वो थे S35, सल्फर का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है S35, सल्फर 35। सेकेंड था इसके अंदर P32, फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी सल्फर, ये रेडियो एक्टिव सल्फर थी संबंध माध्यम में, तो थी इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर। एक इसके अंदर क्या थी, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनकी ग्रोथ इसने किसके साथ कराई, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ, और दूसरा किसके साथ कराई उन्होंने, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ इनकी, इन्होंने क्या कराई थी, ग्रोथ इनके द्वारा कराई गई। T2 बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव संवर्धन माध्यम पर ग्रो कराया, ऐसे कल्चर मीडियम पर ग्रो कराया जिसमें सल्फर 35, यानी रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 प्रेजेंट थी। अब ये ही क्यों लिए उन्होंने एलिमेंट, S35 और P32 का यूज ही उनके द्वारा क्यों किया गया, क्योंकि जो सल्फर है सल्फर जो है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है, और फॉस्फोरस जो है वो DNA को बनाने में हेल्प करता है। जो वायरस है बैक्टीरियोफेज है इस तरह की, इसकी अभी हमने बनाया था डायग्राम किस तरह का वायरस होता है, अब इसमें मेनली पाया क्या जा रहा था, अंदर की तरफ तो क्या प्रेजेंट था, DNA, बाहर जो ये कवरिंग बनाई है, ये कवरिंग या इसके आवरण को बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन। तो S जो है वो किसको, सल्फर जो है किसको बनाने में हेल्प करती है, प्रोटीन को, इसलिए रेडियो एक्टिव सल्फर ली। ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है इसको समझने के लिए इन्होंने प्रोटीन को बनाने वाले एलिमेंट को रेडियो एक्टिव लिया S35, और DNA के अंदर हमको पता है फॉस्फेट ग्रुप होता है यानी फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इसलिए DNA से रिलेटेड कौन सा ले लिया इन्होंने, P32, यानी फॉस्फोरस 32 जो था, फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटॉप वो तो था DNA के लिए, और S35 जो था वो किसके लिए था, इसके प्रोटीन एनवरप के लिए, इसलिए इन्होंने इनका यूज किया, एक S35 और दूसरा किसका यूज किया था, P32 का इन्होंने यूज किया। तो हर्षे और चेज ने T2 जो बैक्टीरियोफेज है, इन T2 बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज जो पाए जा रहे हैं इनको रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया, रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम ऐसा कल्चर मीडियम था जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस क्यों ली, फॉस्फोरस प्रोटीन का घटक होता है, एलिमेंट होता है वो, सॉरी सल्फर जो है प्रोटीन का घटक होता है, फॉस्फोरस जो है किसका घटक होता है, DNA का, इसलिए इन्होंने इनको ली। तो कुछ की इन्होंने क्या कर दी, इनके अंदर ग्रो कराया। अब हमको ऐसे बैक्टीरियोफेज मिले इस रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया, इस कल्चर मीडियम में ग्रो कराने पर जो प्राप्त हुए T2 जीवाणु वो जी, तो उनमें हमें
इस प्रकार के जीवाणु भोजी या टीटू जीवाणु भोजी मिलेंगे जिनके अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर भी प्रेजेंट होगी और जिनके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस भी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, इसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ जो बैक्टीरियोफेज हैं उनकी एक साथ में इनकी ग्रोथ करा ली, कुछ टी टू जीवाणु भोजियों की या कुछ बैक्टीरियोफेज की, टी टू जीवाणु भोजी की ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराई जिसमें केवल रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट थी। S35 वाले संवर्धन माध्यम में इनको ग्रो किया, S35 वाले संवर्धन माध्यम में इनको क्या कराया, इनका विकास कराया, ग्रो कराया। यानी ऊपर वाले में तो उसने क्या किया है, फर्स्ट वाले में ऐसे संवर्धन माध्यम में ग्रो कराया कुछ बैक्टीरियोफेज को जिनमें S35 भी थी P32 भी थी। तो नए जो बैक्टीरियोफेज मिलेंगे उनमें S35 भी होगा और P32 भी होगा। सेकेंड टाइम उसने क्या किया, कुछ जो T2 जीवाणु भोजी थे उनको कौन से मीडियम के अंदर ग्रो कराया, S35, केवल S35 जिनमें थी रेडियोएक्टिव सल्फर, जिनमें थी जिनके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस नहीं थी, उस कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया। फिर तीसरे स्टेप में उसने क्या किया, जो T2 जीवाणु भोजी थे, कुछ जो T2 जीवाणु भोजी हैं या बैक्टीरियोफेज हैं इनको ऐसे संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जिसमें केवल क्या प्रेजेंट था, P32 प्रेजेंट था, जिसमें केवल फास्फोरस 32 या फास्फोरस का समस्थानिक प्रेजेंट था, सल्फर 35 इसके अंदर क्या थी, एबसेंट थी। तो इस तरह से अलग अलग तीन प्रकार से इन्होंने क्या कराए, एक्सपेरिमेंट कराए। आगे इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, एक बार यहाँ तक का पूरा एक बार रिपीट कर देते हैं अपनी। देखो स्टार्टिंग में यहाँ तक सबसे पहले अपने पढ़ा रूपांतरण, वो हम पहले पढ़ चुके थे। उसमें क्या किया, ग्रिफिथ ने जो किया था, ये वाला जो रिजल्ट हमको मिला है डेथ, ये नहीं मिलना चाहिए था। एक्चुअल में चूहे जीवित रहने चाहिए थे लेकिन यह मर गए, तो इसलिए ग्रिफिथ ने क्या किया, इन जो मरे हुए चूहे थे इनके ब्लड का टेस्ट किया। तो इनके ब्लड के टेस्ट में ग्रिफिथ को जीवित एस प्रभेद के बैक्टीरिया मिले। यानी यहाँ पर जब इसने मरे हुए चूहों के रक्त की जांच की तो जीवित एस प्रभेद के बैक्टीरिया मिले, जबकि यहाँ इस वाली जगह पर हम देखें तो हमने जीवित एस प्रभेद प्रयोग में यूज में नहीं ली। ये जीवित एस प्रभेद के जो बैक्टीरिया मिले उसका कारण ग्रिफिथ ने बताया कि जो हीट किल्ड एस प्रभेद है उनसे कोई ऐसा कारक आर प्रभेद में ट्रांसफर होता है जो आर प्रभेद को एस प्रभेद में चेंज कर देता है, या आर प्रभेद का एस प्रभेद में रूपांतरण या क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। अब ये इसकी कमी ये थी रूपांतरण सिद्धांत की, फैक्टर के बारे में नहीं बताया कि फैक्टर है कौन सा, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन है, या रूपांतरण सिद्धांत के जैव रासायनिक गुण के बारे में ग्रिफिथ ने नहीं बताया। इसके जैव रासायनिक गुण के बारे में बताया तीन साइंटिस्ट, एब्री, मैक्लॉयड, मैकार्टी ने। इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया जो ग्रिफिथ ने कराया था, मिक्सचर को चूहों में एंटर कराया, चूहे मरे, मरे हुए चूहों के ब्लड से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड को अलग किया। जब इन तीनों को एंटर कराया, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, चूहे रहे जीवित, लेकिन जब डीएनए को एंटर कराया तो चूहों की क्या हो गई, मृत्यु। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर एब्री, मैक्लॉयड, मैकार्टी ने बताया।